चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और पीएसयू और बड़ी कंपनी से हम बातचीत करेंगे। हम बात कर रहे हैं आईटीआई की और कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर आर.एम. अग्रवाल, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोविड की लड़ाई के लिए हमने देखा आईटीआई ने एक बड़ी बड़े रूप में पार्टिसिपेट किया, आपने डिजाइन करना शुरू किया फेस शील्ड्स। हमें उसके प्रोडक्शन के बारे में बताइए, कितना हर महीने वो प्रोड्यूस हो रहा है और कितना वो पीक कर पाएगा और आगे क्या प्लान्स हैं कोविड में आपकी पार्टिसिपेशन की, अलग अलग जो रिक्वायरमेंट्स है प्रोडक्ट्स की, वहाँ आईटीआई कैसे पार्टिसिपेट किए? जी जी जी, थैंक यू सो मच। एक तो आपको आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, फेस शील्ड जो हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली इसको एज ए हम एक्स्ट्रा आइटम ले रहे हैं, क्योंकि पहले शू के जो 50,000 to 1 lakh पीसेज हैं, जैसे हम लोगों ने आईटीआई ने काफ़ी कोविड की फाइटिंग के लिए अपने लेवल पे काफ़ी नए इनिशिएटिव लिए थे, उसमें पोर्टेबल जो वेंटिलेटर है उसका मैन्युफैक्चरिंग भी हमने शुरू कर दिया है, डीआरडीओ के साथ हमारा टाई अप हो गया था। और इसके अलावा हम लोगों ने जो डिस्ट्रीब्यूशन किट्स थी, फूड डिस्ट्रीब्यूशन किट्स थी, उस पर भी हमने काफ़ी काम किया था अक्रॉस द डिफरेंट प्लांट्स, रायबरेली, लखनऊ, मनकापुर, बेंगलोर के आसपास काफ़ी हम लोगों ने मोर देन 20,000 फूड किट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो हमको ये लगा कि क्योंकि इसमें अब जब कोविड धीरे धीरे से अनलॉक शुरू होने वाला होगा या जब काम शुरू होगा, तो मास्क केवल जो है प्रोटेक्शन पूरा नहीं दे पाएगा, बल्कि उसके लिए कोई फेस शील्ड की जरूरत होगी जो पूरे के पूरे फेस को कवर कर ले। तो इसी को सोचते हुए देन हम लोगों ने एक डीआरडीओ की ही टेक्नोलॉजी इसमें ली थी, डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हुए बेंगलोर प्लांट में करीब एक महीना पहले चीज शुरुआत की गई थी। और ये जो फेस शील्ड है, इसमें जो इसकी जो शीट यूज कर रहे हैं वो ह्यूमन फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, रिसाइकिल उसको हम कर सकते हैं, काफ़ी लाइट वेट है, इसको हम ओवर्स टुगेदर लगातार इसको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरली मास्क के ऊपर ही पहनना है, जैसे कि होम मिनिस्ट्री ने भी एक गाइडलाइन दी थी कि अभी हमको ऐसी चीज चाहिए जो हमारे पूरे फेस को कवर कर सके। तो जो आईटीआई के द्वारा जो मैन्युफैक्चर्ड फेस शीट होगी, वो सारे के सारा पर्पज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो कर रही है। तो इसकी जो स्टार्टिंग में हमारे पास कैपेसिटी थी वो लगभग 5,000 पर डे से हमने शुरुआत की थी लगभग इसकी एक महीना पहले। इसको इस बीच में हम लोग लगभग 25,000 शीट्स हम लोग बनाने लगे हैं पर डे। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग तो लगभग लगभग 6 लाख से लेकर 7 लाख तक हमारी अभी कैपेसिटी हमारी क्रिएट हो गई है, क्योंकि अभी राम में हम लोग मंगा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ जी तो ये काफी तेजी से आपने इसको रैंप अप किया, प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। सर, आपकी बिजनेस जो कोर बिजनेस है उस पर इस वक्त क्या इम्पैक्ट हुआ है, लास्ट 2 महीने कैसे रहे, और टेलीकॉम प्रोडक्ट्स का जो डिमांड है इस वक्त किस तरह से देख रहे हैं आप सिनेरियो, क्या वापस डिमांड आते हुए दिख रही है, आपका क्या आउटलुक है इस वक्त? देखिए, इसमें क्योंकि जो आईटीआई मेनली जो टेलीकॉम के साथ साथ जो डिफेंस के जो इक्विपमेंट है वो भी हम लगातार बनाते रहे हैं, डिफेंस में भी और टेलीकॉम में भी एक मतलब एक एग्रेसिव प्लेयर आईटीआई रहा है। तो हमारा जो एसडीपी पाइप है वो लगातार रायबरेली में मतलब मार्च अप्रैल में तो इफेक्ट हुआ था, लेकिन मई में वहाँ पे हमारा काम शुरू हो गया है। इसी तरह सोलर पैनल पे भी हमारा काम शुरू हो गया है। 2 महीने हमारे सारे प्लांट्स अफेक्टेड हुए थे बिकॉज ऑफ द रॉ मेटेरियल एंड बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन मतलब इश्यूज, बट जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, तो इसी तरह से डिफेंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, जो हम सीक्रेसी इक्विपमेंट बनाते हैं, हमारे बनने दोबारा से शुरू हो गए। पिछले 2 महीने हमारे काफ़ी इफेक्ट किए गए थे, बट जून के महीने में मतलब मई के लास्ट वीक से हमने लगभग काम सभी जगह शुरू हमारा हो चुका है, चाहे वो पालघाट प्लांट हो, चाहे रायबरेली प्लांट हो, चाहे हमारा मेन बेंगलोर प्लांट हो। जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स पे भी हमारे जो मेन महानेट के प्रोजेक्ट चल रहे थे या एनएफएस का प्रोजेक्ट चल रहा था नॉर्थ ईस्ट में, उसमें भी 2 महीने काम इफेक्ट हुआ है। लेकिन अब धीरे धीरे जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे जो दूसरे ऑफिशियल्स हैं, वो सब उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, अभी काम हमारा लगभग 40% स्पीड पे आ गया है। लेकिन पूरा पूरा होते हुए मुझे लगता है कि 1 से 2 महीना और इसमें लग जाएगा। तो क्वार्टर 40% आ गया जी करेगा ये। ओके, 40% आ गया है, बट 1 महीना लग जाएगा और रैंप अप होने के लिए। बट सर, इस वक्त ऑर्डर बुक पर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, FY21 की ऑर्डर बुक कैसी लग रही है, जो प्रोजेक्ट की थी शुरू में उतनी ही होगी या उसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे? नहीं, प्रोजेक्ट ऑर्डर बुक तो देखिए, हमारी जो लास्ट ईयर की थी वो अभी एस सच वही स्टैंड कर रही है। 5,000-6,000 हमारे पास कंफर्म ऑर्डर्स हैं और 7,000 के करीब हमारे पास जो ऑर्डर जो लास्ट टाइम भी शायद बताया था आपको कि वो बिल्कुल एडवांस स्टेज में है। जब भी वो मतलब जो हमारा एस्कॉन फेस 4 का प्रोजेक्ट था वो कभी आ सकता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कोविड गवर्नमेंट मशीनरी में भी थोड़ा सा प्रोसेसिंग स्लो हो गई थी। तो 6,000 की लगभग ऑर्डर बुक हमारे पास इस समय है,
लेकिन हम करीब काफी काफी एग्रेसिव तरीके से बाकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दूसरे टेंडर्स हैं उनको उनको हम विट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऑर्डर बुक हमारी कम से कम 8,000 से 12,000 के बीच में इस साल और कंफर्म हो जाएगी। 4,000 हमारे पास 4,000 to 5,000 कंफर्म ऑर्डर बुक इस समय है। एनडीए एक्सपेक्ट अराउंड 10,000 to 12,000 एडिशनल ऑर्डर बुक हमारे पास आएगी और जो एडिशनल हम लोग वर्क ले रहे हैं बिकॉज ऑफ द दीज COVID-19 इसका भी कहीं ना कहीं हमारे ऑर्डर पे इम्पैक्ट आएगा क्योंकि हम जो ये फेस शील्ड हम कर रहे हैं हम सभी PSUs को सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को इसको हम दे रहे हैं बहुत ही इसको इकोनॉमिकल प्राइसेस पे दे रहे हैं ताकि इसमें बहुत मार्जिन नहीं है बट फिर भी कहीं ना कहीं हमारे ऑर्डर बुक पे और कहीं ना कहीं मार्जिन पे इससे भी इम्प्रूवमेंट आएगा ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस। ओके फेयर इनफ सर। मार्जिन की बात और रेवेन्यू की ग्रोथ पर भी मैं जानना चाहूंगी क्या आउटलुक लग रहा है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स अगर आप वो स्पेल आउट करें और जो कैपेक्स चेंजेस कुछ आप करेंगे क्या FY21 में क्योंकि कोविड आ गया और थोड़ा सा यहाँ बदलाव या होल्ड बैक भी कंपनियां कर रही हैं तो कैपेक्स को लेकर मार्जिन और रेवेन्यू पे क्या गाइडेंस होगा सर? नहीं जहां तक ITI की बात है हमारे तो जैसे नंबर्स की बात है तो FY19-20 के अभी रिजल्ट्स हमारे जून में आने ही है तो आप देखेंगे कि मतलब आई कैन नॉट टेल बट डेफिनेटली उसमें एक कंसीडरेबल इंप्रूवमेंट आप पाएंगे और सिमिलर इम्प्रूवमेंट जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि करीब 25-30% जो ग्रोथ 30% जो ग्रोथ है हमारी वो मेंटेन रहेगी एज फार एज हाई टॉप लाइन इज कंसर्न एंड सिमिलरली ग्रोथ बल्कि बेटर ग्रोथ वुड बी देयर इन द बॉटम लाइन्स एज वेल। कोई कंपनी की स्ट्रेटेजी हम लोगों ने लास्ट ईयर से काफ़ी चेंज की है जहाँ पे कंपनी वैल्यू एडिशन काफ़ी कर रही है अपने प्रोजेक्ट्स में भी और प्रोडक्ट्स में भी काफ़ी अग्रेसिव तरीके से पार्टिसिपेट कर रही है। रॉ मेटेरियल हम लार्ज स्केल्स पे अब ले रहे हैं तो इसकी वजह से हमारे रॉ मेटेरियल कॉस्ट में काफ़ी हमारे कमी आई है तो उसकी वजह से मार्जिन्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं और हमारा टर्नओवर भी डेफिनेटली बढ़ेगा। ओके तो जो आप कह रहे हैं रॉ मेटेरियल की प्राइसेस में कमी आने से मार्जिन यहाँ बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। सर एक सर्विस जो आपने शुरू की थी क्लाउड सर्विस एंड सॉल्यूशंस प्लेटफॉर्म आई थिंक इस वक्त जो कि सब डिजिटल चीजों पर शिफ्ट हो रहे हैं और ये स्टेट यूटिलिटीज को आपने जो प्रोवाइड की कैसा एक्सेप्टेंस रहा और क्योंकि अब आगे डिजिटलाइजेशन पर ही बहुत ज्यादा फोकस होगा वहां से आपकी क्या उम्मीद है? नहीं देखिए क्योंकि जो जिससे हमारे पास दो डाटा सेंटर है पुराना डाटा सेंटर है वो तो मोरलेस हमारा 90% ऑक्यूपेंसी पर चल रहा है। एक नया जो डाटा सेंटर है उसमें हमने 346 रेक्स हमने लगानी थी थोड़ा कोविड की वजह से उसमें डिले हुआ है क्योंकि जो सप्लाईज बाहर से आनी थी वो रुक गई तो अभी हम लोग लगातार उस पर स्ट्रेस कर रहे हैं तो अगले 2 महीने वाला काम हमारा पूरा हो जाएगा। ऐसे जो 1,000 रेक्स का काम हमारा अगले 3 महीने में पूरा हो जाएगा तो मुझे लगता है कि अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में 100% हमारा ये डाटा सेंटर का बिजनेस पूरा हो जाएगा जिससे आप देखेंगे क्योंकि इसमें डिमांड बहुत तेजी से आ रही है बहुत कंपनियां हमको अप्रोच कर रही हैं तो इससे जो डिजिटाइजेशन है होम वर्क फ्रॉम होम है प्लस जो जितनी मल्टीनेशनल कंपनी जहाँ पे आ रही है उससे काफ़ी काफ़ी उसमें मतलब आप देखेंगे उससे बहुत फर्क पड़ेगा। साथ में क्योंकि हम लोग के पास एक इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर का जी पास चला गया है तो उसमें भी काफी कंपनियां आ रही हैं डाटा सेंटर पार्क के रूप में ITI के जो एम्प्टी स्पेस है जो हमारे पास अवेलेबल मतलब स्पेस है उसको यूटिलाइज करने के लिए। बिल्कुल और आप एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जो आपके लैंड बैंक है उसको भी आप बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लेस कर रहे हैं वो प्लान्स भी बरकरार है ना सर? हाँ हाँ जी जी वैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास अभी 200 acres का हम लोगों ने करीब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए प्लान गवर्नमेंट के पास भेज दिया है जो एडवांस स्टेज में है उसमें ताकि वो लॉन्ग टर्म लीज पे हम लोग उसको सबको दे पाएंगे और हमारे पास अभी बहुत ज्यादा ऑफर आ भी गए हैं। ये भी जो बेंगलोर बेस्ड ग्रुप्स हैं हमारे पास जो बाहर की जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने हमको अप्रोच करना शुरू कर दिया है तो आप देखेंगे कि बाई दिसंबर एंड ITI की जो मोर देन 200 acres का जो लैंड बैंक था उसमें काफी मल्टीनेशनल कंपनीज उसमें आ जाएंगी। नंबर वन। नंबर टू उससे एक तो एज ए लीज रेंटल ITI को 15 to 30 years के लिए कंटिन्यूस हमें रेवेन्यू स्ट्रीम एक मिलेगी नंबर वन। नंबर टू प्लस एक गवर्नमेंट की जो स्कीम थी मेक इन इंडिया की जो भारत सरकार चाह रही थी और ITI खुद भी टेलीकॉम में एक मैन्युफैक्चर है तो उससे कहीं ना कहीं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी उनको फायदा मिलेगा तो कुल मिला के जो कुल जो गवर्नमेंट की स्कीम से उसमें ITI का एक बहुत बड़ा योगदान पहले से भी रहा है। बिल्कुल ओके तो ये इम्पोर्टेंट बात कही बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अग्रवाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ITI के आगे के क्या प्लान्स हैं करंटली कोविड से आप कैसे लड़ रहे हैं इस पर बातचीत करने के लिए। तो ये थी ITI के मैनेजमेंट से खास बातचीत। 2 बड़े PSUs हम आप तक लेकर आए हमारे खास सेगमेंट रोड टू रिकवरी में। अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद सुपरफास्ट फ्यूचर्स